हाल ही में रिलीज हुई जॉन इब्राहिम की अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते का ट्रेलर विवादों में फंस गया है। जब ये ट्रेलर रिलीज हुआ तो कुछ देर में ही ये काफी वायरल हो गया था, लेकिन अब ये ट्रेलर मुश्किलों में फंस गया है। असल में बीजेपी के एक नेता ने इसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। हैदराबाद के बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सिटी जनरल सेक्रेटरी सैयद अली जाफरी को ट्रेलर की एक सीन से परेशानी है। उनका मानना है कि फिल्म का सीन धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा, ट्रेलर में मुहर्रम को गलत तरीके से दिखाया गया है। फिल्म भ्रष्टाचार पर आधारित है और मेकर्स इसे बिना मुहर्रम के सीन के भी अच्छे से पूरा कर सकते थे। फिल्म का मुहर्रम से कोई लेना देना नहीं है, इससे खास समुदाय की भावनाएं आहत हो रही है। जाफरी ने हैदराबाद में इस फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और कहा है कि इस ट्रेलर ने न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे शिया समुदाय को ठेस पहुंचाया है। जाफरी उस सीन को फिल्म से हटाने की मांग कर रहे हैं। 15 अगस्त को रिलीज होने वाली इस फिल्म में जॉन के साथ मनोज बाजपेयी भी लीड रोल में नजर आएंगे। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।